31st of December 2018, इट्स अ न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर की एक छोटी सी पार्टी थी मेरे एक फ्रेंड के घर पे. मैं गया और मैंने एक फ्रेंड को बोला हैप्पी न्यू ईयर. ओके, पता है रिस्पॉन्स क्या आया? हैप्पी न्यू ईयर, क्या न्यू ईयर है शे. मतलब क्या हुआ? मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोला, 2019 शुरू होने वाला है, तुम उदास क्यों हो? तो बोलता है 26th of January. मतलब क्या हुआ 26th of January? नाउ ही सेड 26th of January फॉल्स ऑन अ सैटरडे, इस साल की एक छुट्टी कम हो गई. आप समझ रहे? ही इज नॉट हैप्पी ऑन अ न्यू ईयर्स ईव बिकॉज इस साल की एक छुट्टी इस महीने की कम हो गई. आप समझ रहे? द अदर डे आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ पीपल. इन अ ट्रेनिंग आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी ऑफ यू आई टी पीपल, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फ्राइडे? एवरीबडी लाइक सर 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 फ्राइडे. Why they like Friday? Because Saturday is a party, Sunday is shopping, come rest, come dinner, right? They like Fridays. The next question was, how many of you like Mondays? पीछे एक इंसान बैठा हुआ था, उसने इधर तक हाथ खड़ा किया, इधर देखा, वापस नीचे कर लिया. Not even a single person in a group of 50 people is raising hand when I ask the question, how many of you like Monday? Why? क्यों नहीं हाथ उठा रहे? इसका reason simple है. हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि दे आर नॉट वेटिंग फॉर मंडेज टू कम एंड शोकेस देयर स्किल्स एंड ग्रो. दे आर वेटिंग फॉर फ्राइडेज कि कब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा और मजा करूंगा. आई लिव माई लाइफ ऑल दिस पीपल. ओके, सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज, आप जिस भी मुकाम पे है अभी, जो भी आपकी उम्र है आज, ठीक है, आज से लेके अगले 2-2.5 साल में आपको कुछ ऐसा काम ढूंढ के निकालना है आपके प्रोफेशन में, या टू बी वेरी फ्रैंक कोई भी काम दुनिया में, आपको ऐसा कुछ ढूंढ के निकालना है जो काम शायद आप उस काम के प्यार में ना पड़े, बट वो काम आपको एक्साइट करे, शायद ग्रोथ के लिए आपको एक्साइटमेंट दे और उससे पैसे भी आए. यू हैव टू फिगर आउट इन नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स. अगर ये आप कर पाए ना अगले 2-3 साल में, अगर आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढ पाए कि जिसमें करने में मज़ा आता है या एक्साइटमेंट होती है, भले आप पूरे प्यार में नहीं हो उसके, आप उसको 18 घंटा नहीं कर सकते, बट उसमें आपको ग्रोथ नजर आ रही है, उसमें आपको एक्साइटमेंट है, उससे पैसा भी आ रहा है, अगर ये आपने 2-3 साल में कर लिया ना, अगले 20-30 साल बल्ले बल्ले है. क्या है? बल्ले बल्ले. बट अगर इनकेस नहीं कर पाए, ठीक है, तो स्ट्रगल विल कंटिन्यू. फिर ऐसा भी हो सकता है एक दिन कि अगर 26 जनवरी सैटरडे को आया तो आप भी बहुत दुखी हो सकते हो. आप समझ रहे हो? आप भी शायद फ्राइडे का ही वेट करेंगे, मंडे का नहीं. या आपके साथ भी हो सकता है. कितने लोग यहां पे समझते हैं कि सर आई एम हियर टू फॉलो माई पैशन, एंड सर पैसा अभी तुरंत नहीं भी आया तो चलेगा, धीरे धीरे एक जब आएगा, बट मुझको पैशन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, पैसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं है. हाथ खड़ा करें. 1, 2, 3, 4. नॉट दिस मच, आई जस्ट टच दिस पॉइंट फॉर 4 ऑफ दिस. ठीक है, हमें ऐसा लगता है लाइक आप सभी के माँ बाप को सपोर्ट कर रहे, आप जितने भी लोग बैठे आपके माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं एनिमेशन करने के लिए, हाँ या नहीं? Yes. आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं? लगता है, मेजॉरिटी के लिए बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी लगता है आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके माँ बाप ने आपको समय दिया है, समय कि चल मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, 1-2 साल देखो जो चाहिए तू कर. अगर रिजल्ट नहीं आया, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर रिजल्ट नहीं आया तो वही पापा घर पर बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा मैं जो बोलूँगा वैसे ही होगा. आप समझ रहे हो? तो आपको लग रहा है कि चलो पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तो मैं बिल्कुल मेरा पैशन ये है, ना 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 भाई, अगर रिजल्ट नहीं लाया अगले कुछ सालों में, डन, बैक टू स्क्वायर वन. ये मैक्सिमम लोगों के साथ होते हुए मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और दूसरी बात, आपके माँ बाप आपका रिजल्ट एक ही तरह से देखेंगे, उनके लिए रिजल्ट एक ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, और आपके माँ बाप बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, पैशन के साथ पैसा आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं आया यू आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू दैट, आप उसको डिसकंटिन्यू कर जाएंगे या फिर करना पड़ेगा अगर पैसा नहीं आया. और पैसा आना क्यों ज़रूरी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान जो बहुत गरीब फैमिली से है, एक इंसान जो बहुत अमीर फैमिली से है, इन दोनों को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है पैशन से. क्यों? बिकॉज मनी इज नॉट फॉर नीड, आपको नीड है इसलिए पैसा मत कमाओ. मनी इज अ प्रूफ, मनी इज अ प्रूफ दैट यू हैव एडेड सम वैल्यू इन द मार्केट. आप में कुछ है और किसी को आपने वो वैल्यू एड करी है, उसके बदले में आपको पैसे मिले हैं, इट्स अ प्रूफ.
that you have added some value in the world. And that's the reason we need to earn. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक साल के कोर्स के लिए, दो साल या तीन साल जो भी है, I feel like we have to have that mindset and start working accordingly. Are you getting my point? Sure? So, one of my mentor has said to me, I'll just sum up with this, that Sandeep, if you want to be happy for a week, go and enjoy Saturday night. If you want to be happy for a month, go and get married. If you want to be happy for a whole year, gather all the money you have and go on a world tour. And if you want to be happy for the whole life, understand what is your passion and make it your profession.